तो मुझे शो करना है कि अगर कोई, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप से मैंने हॉरिजॉन्टली एक प्रोजेक्टाइल को फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ यू, और कितनी हाइट से गिरा, वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है नीचे, तो वो बॉडी प्रोजेक्टाइल यहाँ पे गिरेगी। तो जब यहाँ से यहाँ गिरेगी, तो आपने स्टॉप वॉच ऑन की हुई थी, यहाँ से यहाँ आने में उसने समय कितना लिया, टी, टाइम टेकन टी है। अब टी टाइम में उसने कितने कोऑर्डिनेट्स या कितनी दो डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर ली साइमल्टेनियसली, दो, एक एक्स और एक वाई। तो अगर मैं पूछूं कि यहां से यहां उसने एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, एक्स, वाई एक्सिस में कितनी कवर की, वाई, क्या ये पॉइंट क्लियर है? इकट्ठी कवर कर रहा है वो, ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो बॉडी यहां से यहां आई, तो उसने एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर की और वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो, ऑब्वियसली घेरा कैसे था उसे, हॉरिजॉन्टल, तो इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? अब इसमें जो मेन चीज है समझने वाली, बस वो समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। इसके अंदर मैं अगर ये बोलता हूं कि दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, आप क्या बोलोगे, कौन सी दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, एक्स एंड वाई, सही है, एक्स एंड वाई। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक्स एक्सिस में, सिर्फ एक्स एक्सिस में, जब मैं एक्सिस एक्स बोल रहा हूं ना, तो आपने वाई को देखना भी नहीं है, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट बोलो इसमें कितनी है। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, एक्स, ठीक है, जब ये बॉडी यहां से यहां आई तो उसने एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, एक्स। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी बोलो हमेशा क्या रहेगी, कितनी रहेगी, यू, कांस्टेंट, कितनी, यू, तो हर वक्त क्या रहेगी, यू 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 एंड यू, कांस्टेंट, डन, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक्सिस चेंज कर रहा हूं, प्लीज अब मुझे आंसर दो वाई एक्सिस में। अब आपने एक्स को नहीं देखना कुछ भी, आपने आपने सिर्फ वाई को ही देखना है। बोलो वाई एक्सिस में जब बॉडी चली थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो। वाई एक्सिस में जब बॉडी यहां से यहां आई उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वाई, अब एक्स ही देखना, अब डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हो गई, वाई। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, 9.8 g, सही है। हाँ, टाइम टेकन की वैल्यू दोनों में कॉमन रहेगी, एक्स में भी और वाई में, क्योंकि एक ही टाइम में एक्स और वाई कवर हो रहे हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये छांटना जरूरी है कि एक्स में क्या दिख रहा है और वाई में क्या दिख रहा है, क्योंकि एक्चुअल में मोशन 2D कुछ नहीं होता, एक्चुअल में मोशन 1D होता है। तो हमने एक्स एक्सिस में 1D लगाना है, वाई में 1D लगाना है, 1D 1D से 2D बनेगा। कैसे, देखो मुझे इसमें क्या प्रूव करना है, इसमें मुझे प्रूव करना है, शो दैट पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। मुझे मैथमेटिकली प्रूव करना है कि ये पैराबोला है। मैं बोल दिया आपने मान लिया, पर मैथमेटिकली ये पैराबोला है, ये प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, आप मुझे ये बताओ कि एक्स एक्सिस हेडिंग डाली है मैंने, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या है पूरी जर्नी में, यू, जो कि कॉन्स्टेंट है। जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू वीटी। तो एस की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स, वेलोसिटी की जगह क्या पुट करेंगे, यू, और टाइम टेकन टी, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा चलो वाई एक्सिस की बात करते हैं, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, एक्सलेशन क्या है, जी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई। तो एक काम करो, वाई एक्सिस में अप्लाई करो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वाई इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ जी टी स्क्वायर पुट कर दिया। एक्स एक्सिस की इक्वेशन अलग है, वाई की इक्वेशन अलग है, टाइम कॉमन है, इस टाइम को यहां से उठा के यहां पुट कर दें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, ये बन गया। ऊपर से नीचे टाइम की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है, टाइम को यहां से यहां पुट किया तो एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर ये रहा, जी टू यू स्क्वायर ये कॉमन बाहर आ गया। तो ये कॉन्स्टेंट है, जी भी और यू भी, टू भी सब कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू की एक्स स्क्वायर। मैथ्स में आपको सिखाया जाएगा कि जब भी आप ऐसी इक्वेशन देखेंगे जिसमें वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है, आप ग्राफ पेपर लेके सॉल्व बना के भी देख लें इक्वेशन,
तो ग्राफ हमेशा पैराबोला ही बनेगा। तो मैथ्स ये कहता है कि अगर y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन है वो किसको फॉलो करेगी? पैराबोला। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, ठीक। तो कैसे प्रूव करना है? क्लियर है, डेरिवेशन है इसकी। अब इसमें ना दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, एक्स एक्सिस में एक्स, वाई एक्सिस में वाई, लेकिन जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो नेट डिस्प्लेसमेंट तो यही होगी ना, जो कि क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? ठीक। इसी में सेम क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कितनी देर के लिए, यहां से स्टार्ट करते हैं, कितनी देर के लिए बॉडी हवा में रही, यहां से स्टार्ट हुई नीचे गिर गई, यानी कि कितनी देर के लिए हवा में रही, टाइम निकालना नीचे गिरने का, उस टाइम को इस चैप्टर में बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब उड़ने का टाइम, तो जब तक वो हवा में है तब तक उड़ रही है, नीचे गिर रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए इसमें वाई एक्सिस में फिर से एक बार इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या थी? वाई। और पूरी जर्नी कितनी देर में कवर हुई? टी। इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर से लगाओ एस इज यू टी ऑफ ए टी स्क्वायर वाई एक्सिस में, क्योंकि एक्स में तो लग ही नहीं सकता, एक्स में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जो वेलोसिटी कांस्टेंट है एक ही इक्वेशन लगती है, एस इज इक्वल टू वी टी। तो वाई में लगाओ ये इक्वेशन, एस की जगह वाई, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम निकालो, ये टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई याद करने की जरूरत नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट, हम न्यूमेरिकल में खुद निकाल लेंगे इसमें। अब जैसे मुझे निकालनी है रेंज, रेंज रेंज क्या होती है? जमीन का डिस्टेंस रेंज कहलाता है। तो जब ये बॉडी यहां से यहां गिरी तो जमीन का डिस्टेंस कितना कवर किया? एक्स। इसी को रेंज बोलते हैं। आपने सुना होगा एक मिसाइल है उसकी रेंज 2500 किलोमीटर है, तो यानी कि क्या हवा में फायर करते 2500 किलोमीटर दूर जाती है? दूर का मतलब जमीन का डिस्टेंस कैन बी कवर्ड, तो वो कंट्री 2500 किलोमीटर की रेंज में कहीं पर मिसाइल गिर सकता है वहां बैठ के। तो ये उसकी रेंज होती है जमीन का, हाइट से उसको लेना देना नहीं होता, ग्राउंड डिस्टेंस 2500 है, तो ग्राउंड डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं। तो एक्स इसमें रेंज है, तो आपको क्या निकालना है इसमें? एक्स रेंज निकालनी है। रेंज किस एक्सिस में है? एक्स में कि वाई में? एक्स में। तो इक्वेशन किस में लगेगी? वाई में कि एक्स में? एक्स में लगेगी। और एक्स में एक इक्वेशन लगती है, क्या? एस इज इक्वल टू, तो एस की जगह आर पुट कर दें, वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी यू, और कितनी देर में बॉडी उड़ती हुई यहां पर आएगी? टी। हमने ऊपर निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट टी, टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल चुके हैं इस, ये ऊपर निकाला था ये रहा सेम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को यहां से पुट करके यहां पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास? रेंज। लोग इसके फॉर्मूले याद करते हैं, पर मेरे हिसाब से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम खुद बनाएंगे। यहां तक क्लियर है? जैसे सपोज पर्सन थ्रोज अ बॉल एट 15 मीटर पर सेकेंड, इसमें लिख लेना हॉरिजॉन्टली, नहीं तो पत्थर तो ऐसे भी गिर सकता है वो, हॉरिजॉन्टली टॉप ऑफ द बिल्डिंग से 490 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, हॉरिजॉन्टली पत्थर को फेंका या बॉल को फेंका 15 मीटर पर सेकेंड के साथ, क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। साथ में क्या निकालना है? एक्स। पहले दो पार्ट निकाल लें, आप मुझे बताओ प्रोजेक्टाइल बनेगा ये रहा, पैराबोला बनाएंगे, तो साइमल्टेनियसली बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट्स कवर की? दो, एक 490 और एक एक्स। एक्स निकालना है। आप मुझे बताओ कि कितनी देर में यहां से यहां आएगा, वो कैलकुलेट करने के लिए वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 490। वाई एक्सिस लिखा तो हर चीज वाई में देखो, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 490। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। एक्सेलरेशन क्या है? 9.8। तो अप्लाई करो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो एस की जगह 490। इनिशियल वेलोसिटी क्या? जीरो, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का, तो सॉल्व करेंगे तो टाइम आएगा 10 सेकेंड, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप वैसे ही एस इज यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओगे वैसे टाइम आ जाएगा। करना है कर लो फॉर्मूला याद, भूल जाओगे दो चार महीने में, तो बेटर है कॉन्सेप्ट याद कर लो। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू, एक्स, तो एक्स की वैल्यू वाई एक्सिस में है कि एक्स में? एक्स में। तो इक्वेशन किस एक्सिस में लगेगी? वाई में कि एक्स में? एक्स में। कौन सी इक्वेशन लगती है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है? एस इज इक्वल टू वी टी, तो एस यानी कि एक्स निकाल लें। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में हमेशा ही 15 15 15 और 15 है, और कितनी देर में ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुई? टाइम, टाइम हमने ऊपर निकाल लिया कितना?
10, आंसर x आ गया। तो आपने एक चीज नोट की, x एक्सिस में निकालने के लिए तो इक्वेशन ही एक यूज करते हैं, s is equal to vt, और y एक्सिस में s is equal to ut plus half। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मोशन में तो आप मुझसे पूछते थे सर कौन सी इक्वेशन लगाएं, मैं कहता था मुझे नहीं पता, खुद देखना। इसमें तो मैं आपको कह रहा हूं कि x एक्सिस में एक ही लगाना है s equal to vt, और y में लगाना s equal to ut plus half, ये ज्यादा आसान है। आखिरी पार्ट है इसका, जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तो किसी वेलोसिटी से हिट करेगी। कोई कहेगा सर तो रेस्ट पे आ जाएगी, भाई पहले तो हिट करेगी फिर रुकेगी फिर रेस्ट पे आएगी, बाद में क्या होगा वो बाद में देखेंगे। इस इंस्टेंट में जब हिट किया उसकी वेलोसिटी क्या, ये निकालनी है। अब एक बात बताओ, जब ये हिट करेगी तो क्या ऐसे हिट करेगी, ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे हिट करेगी? नहीं, टेढ़ी हिट करेगी। प्रोजेक्टाइल जब आएगा ऐसे हिट करेगा, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा। क्यों? देखो आपके पास x एक्सिस में वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम। तो जब ये ग्राउंड को टच करेगी तो इसकी x की वेलोसिटी क्या रहेगी, 15 ही रहेगी, राइट। y की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इनिशियल क्या थी, जीरो, फिर इंक्रीज 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 vy। अगर मैं आपको vy बता दूं, vx तो आपको पता ही है, तो नेट वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ vx एंड vy। पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो नेट वैल्यू v है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, आंसर आएगा। मतलब आपको क्या करना है उसमें, पहले vx निकालना है, vy निकालना है, फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट v निकालना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, लॉजिक क्या है? कोई कहेगा सर जमीन के नीचे डायग्राम बन गया, अरे वो तो वर्चुअल डायग्राम है, एक्चुअल में जमीन खोद के थोड़ा वेक्टर बनते हैं, ये तो इमेजिन करना है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। क्लियर है यहां तक? तो ये vx तो मुझे पता ही है, चलो vy निकालते हैं। आप बताओ मुझे vy की डायरेक्शन कहां है, x में कि y में? तो इक्वेशन किस एक्सिस में लिखी जाएगी, y में। जो चीज आपको x में दिख रही है वो x में इक्वेशन, जो y में दिख रही है y में इक्वेशन। तो y एक्सिस में चलते हैं, y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, फाइनल क्या है, vy। यहां पे y का देखना है जीरो और vy। एक्सेलरेशन क्या है, 9.8, और बॉडी यहां से यहां कितनी देर में आई, 10 सेकेंड, ये रहा 10 सेकेंड, निकाल लिया। तो आप एक काम करो, आप लगाओ v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, कौन से एक्सिस में, y में, y में। तो y में फाइनल वेलोसिटी क्या है, vy, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, एक्सेलरेशन क्या है, 9.8, और टाइम क्या है, 10, क्या आ गया, vy। vx तो वैसे ओरली बता दिया मैंने, vy आपने निकाल दिया, और नेट वेलोसिटी के अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट, आंसर। इतनी वेलोसिटी से वो हिट करेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? लेकिन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको वेलोसिटी का एंगल बताना पड़ेगा, एंगल विद x एक्सिस, tan बीटा। tan बीटा में ये वेलोसिटी, vy की वैल्यू कितनी निकाली हमने, vy की वैल्यू आई थी 98, तो ये 98 है, ये 98 है, ये 15 है, तो tan बीटा इज 98 अपॉन 15, तो tan बीटा भी निकाल देना, 98/15 लिख देना, tan इनवर्स 98/15। तो आइडिया क्लियर है कि कैसे ये क्वेश्चन चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। आप ये क्वेश्चन कर लें, लास्ट क्वेश्चन है। देखो टेस्ट नेक्स्ट टाइम होगा। ठीक है, तो इसमें इन द एग्जांपल फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक बात बताओ, इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या ली जाएगी, जीरो। तो आप वाई एक्सिस में अप्लाई करें क्या, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह क्या 980, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में क्या जीरो, हाफ 9.8 इनटू टी स्क्वायर। टाइम की वैल्यू सॉल्व कर लेना, 10√2 आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन क्लियर है कैसे लगाया? देखो आप अब कर भी क्या सकते थे, या तो इक्वेशन एक्स में लगाते या वाई में लगाते। यार एक्स में पता क्या है तुम्हें, कुछ भी नहीं। एक्स में तो आपको एक्स भी नहीं पता, तो लगाओगे क्या एक्स में, कुछ भी नहीं। क्या पता है, वाई।
तो हम वाई से उम्मीद कर सकते हैं भाई तू कुछ तो 490 दे रहा है, तो वाई की क्वेश्चन तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, एक्स निकाल दो भाई। जब एक्स निकालना है तो एक्सिस क्या लेना है, क्या इक्वेशन लगेगी? एस का मतलब एक्स, वेलोसिटी कांस्टेंट बोलो कितनी, और टाइम हम निकाल चुके कितना 10। लो आंसर एक्स आ गया। समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? तो एक्स भी आ गया और टाइम भी आ गया। वेलोसिटी निकालो कितनी वेलोसिटी से ने हिट किया, तो दो वेलोसिटी लेनी पड़ेंगी, एक वी एक्स और एक वी वाई, एक वी एक्स और एक वी वाई। कोई डाउट इसमें? ठीक है तो करें एक बार देखो। तो इसमें एक काम करना, ये वेलोसिटी लेना वी एक्स, वी एक्स की वैल्यू क्या लेंगे यहां पर 98, और एक क्या निकालेंगे वी वाई। तो वी वाई निकालने के लिए इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, एक काम करें वी वाई किस एक्सिस में है, वाई में, तो वाई एक्सिस में अप्लाई करें वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। वाई एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी कितनी है वी वाई, इनिशियल कितनी है 0, 9.8, और टाइम कितना था 10√2। तो वी वाई आ गया, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। मोशन करना है आपको, तो वी एक्स पता है, वी वाई पता है, तो नेट जो वैल्यू आएगी, तो नेट वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ क्या, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी। निकालोगे आंसर, वी एक्स पता है, वी वाई पता है आंसर। तो नेक्स्ट टाइम इसी की प्रैक्टिस चलनी है, वैसे जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आज किसको इस कॉन्सेप्ट को कैसे करना है।